वेलकम टू फार्मा मेडिसिन। स्वागत है दोस्तों आप सबका फार्मा मेडिसिन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आयरन टेबलेट के बारे में जो कि लोगों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन में दी जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब व्यक्ति में आयरन की या हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो क्या क्या सिम्टम्स उसको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स है कि लेजीट्यूड, मतलब व्यक्ति जो बहुत बहुत आलसी रहता है, उसको हमेशा थकान रहती है, व्यक्ति को नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, हाथ पांव में कमजोरी होना, आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाना उसकी, ठीक है, उसमें इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि वो कुछ काम नहीं कर पाता है। थोड़ा बहुत काम करता है तो बहुत जल्दी थक जाता है। यदि वो चल लेता है 100 मीटर तो उसको सीने में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती है धक धक की, हाथ पांव सुन होने लगते हैं उसके, हाथ पांव में चींटियां काटने जैसा अनुभव होता है, ठीक है, और वह इतना वीक हो जाता है कि उसको ना तो खाना खा पाता है वो, ना ही उसका खाना पच पाता है, और ना ही वो किसी काम में अपना ध्यान लगा पाता है। उसको रात को नींद तक नहीं आती है, उसका सिर दर्द भी होता है, आँखें भी दर्द होती हैं। ये सारे सिम्टम्स यदि किसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं तो समझिए कि उसमें आयरन की कमी हो गई है, पर आप उसे 100% श्योर नहीं कह सकते कि यही सिम्टम्स हीमोग्लोबिन की कमी से हैं, आपको उसके टेस्ट भी करवाने होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं FDC कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली विटकोफोल कैप्सूल के बारे में। विटकोफोल कैप्सूल जो है 30 कैप्सूल की पैकिंग में आती है, 108 से 110 रुपये इसकी MRP अभी मार्केट में चल रही है, आपके एरिया के हिसाब से ज़्यादा कम भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हम इस कैप्सूल के बारे में कि इस कैप्सूल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब किस प्रकार इसको यूज़ किया जाता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को खून की कमी हो, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो, या फिर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो, उसमें विटामिन B12 की कमी हो चुकी हो, ठीक है, उसमें आयरन की कमी हो, या फिर उसे सप्लीमेंट नहीं मिल पाते हों सही तरीके से, उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, जब किसी महिला को प्रेगनेंसी होती है उस कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के बारे में कि इस कैप्सूल को कैसे लेना है, क्या इसके डोज रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको जब भी लें आप तो डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लें, और इसको आप 15 साल से छोटे बच्चों में नहीं देना है। 15 साल से जो 50 साल 60 साल तक का व्यक्ति है उसमें भी हम बात कर लेते हैं, तो इसको आप एक कैप्सूल वंस डेली दे सकते हैं, खाना खाने के पहले या बाद में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका यूज़ करें, ताकि उसमें कोई सिम्टम्स हों जैसे BP, शुगर, ठीक है, अस्थमा की कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज़ करें। और इसको साथ आपको अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, यदि आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो बंद करें या 1 घंटे 2 घंटे बाद इसका यूज़ आप करें। यदि हम इसके बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो आपको डिजीनेस होना, चक्कर आना, स्टमक पेन होना, ठीक है, स्टूल का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होना, ये सारे सिम्टम्स यदि आपको दिखते हैं, या फिर वोमिटिंग होना, तो आप इस कैप्सूल को बंद कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से परामर्श आप ले सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में भी ये सेफ़ है, और जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें भी अक्सर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उन महिलाओं को भी आप दे सकते हैं, पर अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको उसका यूज़ करना है। वीडियो में आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल पर, धन्यवाद।